कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद दीदी। चलते दीदी इधर आओ। कल्पना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कर्मचारियों को जो है हर वार्ड में सम्मानित किया जा रहा है। ये लोग इतना काम कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इनका सम्मान कर रहे हैं, तो इन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी मिल रही है कि कम से कम चलो देर से ही सही हमारे कम से कम जो है कर्म योद्धा जो हैं ये काम कर रहे हैं, जो कोरोना में फाइटर्स इनका सम्मान किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं इस बार कि किसी भी कर्मचारी ने कभी कोई छुट्टी की मांग नहीं की है, और दिन रात ये मेहनत से मतलब सुबह समय से आ जाते हैं अपना परिवार छोड़ के, और ये पूरी मेहनत से गलियों को सैनिटाइज करना, सफाई करना, उसका काम कर रहे हैं। तो मैं इनका जो बहुत सर रेड जोन से ग्रीन जोन में आ चुका है इस समय, तो उसके लिए आगे और कुछ रणनीति ऐसी आप लोग की अपने क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सैनिटाइज करने की वो कर रहे हैं। मैंने प्लान बनाया कि मैं पर डे, क्योंकि हमारे पास एक छोटी मशीन है जो एक एक वार्ड को हम पर डे सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे हैंड मशीन और फुट स्प्रे मशीन हैं जो वार्ड में जहाँ बड़ी मशीन नहीं जाती है उसके द्वारा हम घरों को सैनिटाइज करते हैं। उसके अलावा अगर यदि कोई हमें फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करता है तो तुरंत हमारे आदमी वहाँ पहुँच के उस घर को सैनिटाइज कर देते हैं जहाँ से भी समस्या आती है, जिससे कि हमारा प्रयागराज ग्रीन जोन में बना रहे। और इसके लिए हमारे कर्मचारी गलियों में छिड़काव, ब्लीचिंग और मेलाथान का छिड़काव और अन्य बैक्टीरिया के जो मेडिसिन है उसका वो वितरण कर रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी जिनको हम लोग कर्मयोद्धा के नाम से अब प्रसिद्ध करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो भी अपने मतलब वार्ड और पूरे प्रयागराज को जो भी सुरक्षित हुए हैं ये कर्मयोद्धा ही की वजह से सुरक्षित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर से बाहर निकल कर जान पर खेल कर इन्होंने अपने वार्ड को अपने शहरों को साफ करके रखा, जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो फैल नहीं पाया और बहुत कम ही फैल पाया। नहीं तो इन्होंने ये काम ना किया होता तो ये और भी विकराल रूप ले सकता था। तो ये इसीलिए जो इन्होंने काम जान पे खेल कर इन्होंने ये काम किया है, मैं इसी वजह से इनको थोड़ा बहुत जो हो सका अंग्रवस्त्रम माला और साड़ी और क्या नाम मास्क और सर्टिफिकेट और ये सब देकर सम्मानित किया। क्या क्या कौन कौन लोग हैं इसमें जिसको सम्मानित आपने किया, कौन कौन वर्ग के लोग हैं इसमें? सब सफाई कर्मचारी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, पुलिसकर्मी बंधु हैं और डॉक्टर लोग हैं और मेरे नगर निगम के लोग अधिकारी लोग, समाज सेवी भी हैं, कुछ समाज सेवी लोग भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे माननीय पार्षद जी ने जो किया हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को आज जो सम्मान दिया गया है वो पार्षद जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, और हम अपने पार्षद जी को और अपने जो अधिकारी जूनल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम लोगों को मेहनत का फल हम लोगों को मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और हमारे पार्षद जी ने हम लोगों को हमेशा साथ दिया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।